ये प्रोटेस्ट जो हुआ है, जैसा गवर्नमेंट ने पहले तो एक बिल लाई थी एबी कैप, उसके मद्देनज़र उसके बाद दूसरा बिल लाई, उसमें कुछ कंफ्यूजन था गवर्नमेंट को, उसकी वजह से सेकंड बिल आया। 19 लाख लोग, ये 19 लाख लोगों को शरणार्थी बनाने का काम किया था सरकार ने, जिसकी वजह से वो फंस गई थी खास करके आसाम में। उसके बाद अब देश की हालत भी देख रहे हैं, जैसे कि उस देश की हालत ऐसी है कि आज GDP हमारी कहाँ है हमको पता नहीं, और जो नौकरियों का सवाल है वो नौकरियों का कुछ पता नहीं है। एजुकेशन में खास करके ये बात है, एजुकेशन में 3000 करोड़ का उन लोगों ने कमी किया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज NRC कहीं ना कहीं इनकी कमियां छुपाने के लिए, कमियां छुपाने के लिए नहीं है, इनकी पूरा नंगापन निकल के आ गया है 3 बिल में, NRC हो या NPR हो या फिर CAB हो या CAA हो, जो पहले CAB था अभी CAA यानी एक्ट हो गया है वो, इनमें इसमें कई कमियां हैं और ये देश को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, इनकी खामियां छुपाने का काम कर रहे हैं, खास करके RSS वालों को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई आसाम में, 15 लाख जो आसाम में मेरे भाई लोग इस लिस्ट में आए NRC में, उनको रोकने का काम कर रही है ताकि हिंदू वोट उनका इंडिया से बचा रहे, ये हिंदू वोट बचा रहे। और जो खास करके बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो शरणार्थी मंगाने जा रहे हैं, लोग जो पीड़ित मंगाए जा रहे हैं, हमको उनसे कोई गुरेज नहीं है, वो आए वेलकम, इंडिया बड़े दिल वाला है और बड़े दिल वाला होना भी चाहिए और इंशाल्लाह ता कयामत बड़े दिल वाला रहेगा भी। लेकिन साथ साथ जो पीड़ित मुस्लिम है, खास करके जो तालिबान का शिकार हुए, जो महाजिर का शिकार हुए हैं, जो पीपल्स पार्टी का शिकार हुए पाकिस्तान में, उनको भी एक मौका देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश में भी कई मसले हैं, बांग्लादेश का कारोबार इंडिया से काफ़ी बड़ा है, खास करके मास्क के बारे में मैं बोलूँगा, उसको भी यहाँ रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े व्यापार बांग्लादेश में मास्क के हो रहे, उसका पूरा कारोबार इंडिया से ही ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और उसी लिए हमारा देश नंबर 2 बीफ एक्सपोर्ट में आया है। और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में आग लग गई, उसकी वजह ये तो नहीं कि जामिया के बच्चों पे इन्होंने हाथ लग दिया, जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कर रही है। देखिए, सरकार की बर्बरता से तो कोई छुपा हुआ नहीं है, जो जामिया का मामला है वो भी इसमें आग लगाने का काम किया है, और जामिया के बच्चे जो सड़कों पर उतरे, मुझे बहुत अफसोस के बाद बोलना पड़ रहा है, एक गणतंत्र देश में, जनतंत्र देश में, जहाँ पर एजुकेशन की इतनी मांग है, सारे देश से सारे दुनिया में हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर, यहाँ तक कि NASA में भी हमारे इंजीनियर हैं, इनको ये कहाँ से आते हैं, पहले ये तो बोले, मोदी जी बोल रहे हैं या योगी जी बोल रहे हैं या अमित शाह जो बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, क्या ये वहाँ पे क्या बना रहे हैं, क्या आतंकवादियों की फैक्ट्री चल रही है क्या, आपके बड़े बुजुर्ग जितने भी RSS के ठेकेदार आ जाए, ये कहाँ से पढ़ के आए, इसका जवाब तो उनसे पूछे आप। कहीं ना कहीं मोदी जी ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि मतलब ऐसा कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, और कहीं ना कहीं अमित शाह ये बोल रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे हम, ऐसा NRC लागू करेंगे। सर, वो लोग इस चीज़ को कैसे मानेंगे, क्योंकि ये जिस व्यवस्था में पैदा हुए, इनके बाप दादा आज से 100 साल पहले, यहाँ तक कि अंग्रेज के दौर में, इनके बाप दादा सब RSS की गुलामी कर रहे थे, आज ये नई नस्ल उनकी जो आई है, खास करके जो जितने भी या नितिन गडकरी हो या फिर योगी हो, ये लोगों उसी माहौल में पैदा हुए, आतंक के माहौल में पैदा हुए, इनकी रोजी रोटी, खाना पीना, सोना उठना बैठना, लोगों को तराश देने के अलावा और कुछ नहीं है। और ये वो नस्ल है जो फिरौन की नस्ल से मैं इनको कंपेयर करता हूँ। आवाम के लिए क्या मैसेज? आवाम के लिए यही मैसेज है, देखिए आप डरे नहीं, ना NRC से डरे, ना NPR से डरे, ना फिर CAA से डरे, देखिए ये वक्ती जवाल है, टल जाएगा, आप अपने हक पे कायम रहिए, ज़्यादा शोर शराबा ना करिए, बस अपने हक की लड़ाई लड़े, जो संविधान ने आपको हुकूक दिया उसकी लड़ाई लड़े, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और कोई भी आपके घर में आके डॉक्यूमेंट मांगता है, चाहे वो मेरी माँ हो, बहनें हो, चाहे कोई भी हो, किसी जात का भी हो, किसी धर्म का भी, कोई भी आदमी पहले तो उसकी ID पूछे, अगर आपकी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आपके एरिए में कुछ बूथ लेवल के कार्यकर्ता होंगे या कोई MLA MP के जो कार्यकर्ता है वो होंगे, उनसे एक बार राय मशवरा लें, अगर उनसे राय मशवरा नहीं होता है तो एक बार पुलिस स्टेशन में जाके वेरीफाई करा लें कि ये बंदा कौन है और क्यों आया है।